महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी ललिता यादव ने जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के लोगों से कहा कि विकास के लिए वे दिन रात एक कर देंगे। उन्होंने क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन गांवों के भ्रमण में कहा कि आप हमें आशीर्वाद दें, सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री ललिता यादव रोज 15 से 20 गांवों में प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। ललिता यादव गांव में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से 28 नवंबर को भाजपा के कमल के फूल वाला बटन दबाने की अपील कर रही हैं। छतरपुर की विधायक रहते उन्होंने जो विकास कार्य किए, उन्हें भी वे मतदाताओं को बता रही हैं। उन्होंने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर कहा कि वे क्षेत्र के अधूरे कामों को आपकी अपेक्षा के अनुरूप एक सेवक के रूप में पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं से हर गांव में लोगों को भरपूर लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास गैस सिलेंडर दिए हैं, तो वहीं शिवराज सरकार ने किसानों को बोनस देकर सबके बिजली के बिल माफ कर दिए। अच्छी सड़कें बनवाई, 24 घंटे बिजली दी, सिंचाई की सुविधाएं दी, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल दिया तथा लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, संबल जैसी योजनाओं से कन्याओं सहित सभी वर्गों के हित किए। मैं अपनी परीक्षा जो हमारी है उसमें मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से ही इस परीक्षा में मैं सफल होंगी। आप लोग एक बार विश्वास करें, भरोसा करें, आप लोग आशीर्वाद दें। ललिता यादव आम गृहिणी से राजनीति में आई हैं, इसीलिए वह आम लोगों के ज्यादा करीब हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में कुछ काम किए होता तो मध्य प्रदेश बदहाल नहीं होता।
कांग्रेस के राज में रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी और सिंचाई की सुविधा भी नहीं थी। आप सब जानते हैं कि भाजपा ने ही विकास के काम करवाए हैं और विकास के इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को ही आशीर्वाद के रूप में अपना वोट दें। भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने कहा कि पहले वे बड़ा मलहरा कभी कभार आती थी, लेकिन अब भाजपा ने उन्हें स्थायी रूप से बड़ा मलहरा भेजकर इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह तभी संभव होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर मुझे यहां से भोपाल भेजेंगे। मैं भोपाल जाकर आपके हक की लड़ाई लड़ूंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।